आलू पनीर। हाँ। तो आलू पनीर के लिए हम लोग को क्या करना है कि इसमें कुकर में आलू बॉईल हो गया है, इधर गाइस प्याज डालते हुए भैया जी, मटर तो अभी नहीं डालना ना, अभी पहले मसाला अच्छे से फ्राई करना पूरा। तो दोस्तों पनीर तो हम लोग का बन गया है, अब यहाँ पे चावल बन रहा है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा गर्म है गाइज, चावल भी जस्ट कुछ देर में बनने वाला है। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि गाइज मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि गाइज आज संडे है, और संडे को हम लोग बहुत सारा मस्ती करते रहते हैं, क्योंकि गाइज मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं, कोई जॉब पे जाते हैं, कोई हम ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए गाइज आज हम लोग जो है कुछ बनाने वाले हैं रूम में, क्योंकि गाइज जो है दो भैया हम लोग का, रोहित भैया और किशोर भैया, यहाँ पर रूम में नहीं है, हम और सुरेंद्र भैया रूम में है। तो गाइज आज सोचे हम लोग, वो उन लोग रहते तो चिकन वगैरह ही बनता, लेकिन सुरेंद्र भैया है तो कुछ और यूनिक चीज़ बनाने वाले हैं हम लोग। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी सीधा लेके चलते हैं किचन और देखते हैं कि सुरेंद्र भैया क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हो गया ना, क्या अदरक खोज रहे क्या? अदरक होगा तब ना। तो भाई इधर हम लोग का आलू बॉयल हो चुका है, और अब इधर जो है हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं सारा, जो आलू पनीर बनाएंगे ना आज हम लोग बनाएंगे आलू पनीर। तो आलू पनीर के लिए हम लोग को क्या करना है कि इसमें कुकर में आलू बॉईल हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कुछ देर के बाद खोलेंगे इसको, अभी थोड़ा सा गैस अभी इसका निकला नहीं है, और इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। पहले इसको तलेंगे पनीर को, पहले इसको फ्राई करेंगे गाइस, पहले पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद फिर आलू को फ्राई करेंगे हल्का। अच्छा, उसके बाद प्याज व्याज का मसाला बनेगा। इधर थोड़ा सा मटर भी छील दिए हम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लहसुन ले लिए हम लोग, इधर लहसुन भी हो गया है, धनिया पत्ता भी ले लिए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग आलू पनीर ना, आलू पनीर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं घर में, अगर घर में आलू पनीर बनाना चाहते हैं तो ये सब रेसिपी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देखिए, और भैया अभी बताएंगे कि क्या क्या रेसिपी लगता है। वैसे नॉर्मल में देख सकते हैं, कच्चा मिर्च है अभी इसको काटने वाले हैं, धनिया है और लहसुन है, और इधर गाइज में मटर भी है, इधर प्याज भी है, इधर पनीर भी है। बाकी अभी और क्या क्या मसाला लगता है वो अभी भैया गए हैं लाने के लिए, बाकी अभी चालू करने वाले हैं हम लोग। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हम लोग पनीर को जो है पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद आलू को फ्राई करेंगे, और इधर अदरक का कमी था वो भी अदरक डाल दिए हैं। तो चलिए गाइज आप लोग वीडियो में बने रहिए, सबसे पहले हम लोग फ्राई कर लेते हैं आलू और पनीर को, उसके बाद हम लोग फिर बनाने का प्रोसेस करेंगे ना। चलिए, तो क्या दिक्कत है। तो गाइज अभी हम लोग पनीर को डाल रहे हैं, थोड़ा सा हीट कम कर दीजिए। तो गाइस अभी हम लोग पनीर को डाल चुके हैं, और ये थोड़ा सा 5-10 मिनट तक फ्राई होगा, उसके बाद निकालेंगे, उसके बाद फिर आलू को बॉईल करेंगे। चलिए निकालिए, अब हो गया। तो गाइस अभी पनीर हम लोग का फ्राई हो चुका है, थोड़ा सा पनीर को फ्राई कर लेने के बाद 10 मिनट तक, उसके बाद पनीर को निकाल दिए हैं। दो से तीन मिनट इसको फ्राई करना पड़ता है, ज़्यादा फ्राई करने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। कितना, 2 से 3 मिनट ना? हाँ, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। फ्राई होने के बाद इसमें पानी में डाल दिया जाता है ताकि पनीर सॉफ्ट रहे। अच्छा, पानी को थोड़ा डाल दिया जाता है ताकि सॉफ्ट रहे। अब लोग आलू डालेंगे। ये है गाइज हम लोग का आलू पनीर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बनाएंगे तब मसाला पनीर बनाएंगे, क्या मसाला पनीर कैसे बनाया जाता है वो आप लोग को फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, फिर नेक्स्ट संडे को, क्या। अभी तो फिलहाल आलू पनीर हम लोग बना रहे हैं। बाकी आप लोग अगर मेरा चैनल में हमेशा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो हमेशा आप लोग देखते होंगे कि कभी चिकन बनाते हैं, कभी कुछ भी बना लेते हैं, मतलब
मटन वगैरह भी बना लेते हैं, घर में रहते थे तो घर में भी पूरा खाते थे बना के, यहाँ भी है तो यहाँ भी कुछ बनाना ही पड़ता है। वैसे संडे को तो छुट्टी रहता है तो मस्ती करने का ही दिन है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही। तो ये कितना देर थोड़ा फ्राई होना, दो से तीन, ये भी 2 से 3 मिनट ना। तो आलू को भी 2 से 3 मिनट फ्राई करके निकाल लेना है और पनीर को भी, उसके बाद फिर हम लोग मसाला उसका फ्राई करेंगे और उसके बाद सारा चीज़ होगा प्रोसेस ना। तो गाइज लगता है हम लोग को कि हो गया ना, आलू फ्राई हो गया, हम लोग का आलू फ्राई भी हो गया है। तो निकाल लीजिए इसको भी, तेल तो गरम है ही, तो डाल दीजिए प्याज। इधर गाइस प्याज डालते हुए भैया जी, मटर तो अभी नहीं डालना ना, अभी पहले मसाला अच्छे से फ्राई करना पूरा। इसको जब तक ब्राउन होगा हल्का मसाला प्याज को, तब तक भून लें ब्राउन। तो गाइस अभी मसाला हम लोग का फ्राई होके रेडी हो चुका है और इधर अब आलू डालेंगे और पनीर डालेंगे और हम लोग का बनके तैयार हो जाएगा आलू पनीर। तो कितना देर तक आप फ्राई कीजिएगा ये सब? ये हो गया है, ये मसाला तैयार हो गया है, अब हम लोग आलू डालेंगे और पनीर डालेंगे, आलू पनीर बनके तैयार हो गया है। तो चलिए गाइस देख लीजिए सारा मसाला, इसमें जो भी है आप लोग को बता ही चुके हैं कि वो सब ज़रूरी होता है आलू पनीर में। तो आप लोग भी वही सब रिक्वायरमेंट्स यूज कीजिएगा, वही सब मसाला। जब तक मसाला इस तरह बन के तैयार ना हो जाए तब तक प्याज को गलाना है, गल के इस तरह हो जाएगा मसाला तैयार हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप आलू डाल सकते हैं। कितना देर तक आप मसाला और प्याज को फ्राई किए? वही 10 मिनट तक, 10-15 मिनट तक। 15 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 8-10 मिनट लगा। 8-10 मिनट में गाइस हम लोग का मसाला तैयार हो गया है और आप लोग देख सकते हैं कितना, मतलब आप लोग तो वहाँ से सूंघ तो सकते नहीं है, हम लोग यहाँ से इतना मस्त महक रहा है ना कि लग रहा है कि अभी ही खा जाए। बट चलिए कोई बात नहीं, चलिए डालिए अब ये आलू को डाल दिए। तो दोस्तों पनीर तो हम लोग का बन गया है, अब यहाँ पे चावल बन रहा है। तो मम्मी बहुत ज़्यादा गर्म है गाइज, चावल भी जस्ट कुछ देर में बनने वाला है। और अब जो है हम लोग का इधर भैया जो है कुछ बनाने के बाद, देख सकते हैं इधर पनीर बन के रेडी हो चुका है। और गाइज इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, इतना ज़्यादा महक रहा है ना, लग रहा है कि खा जाएं। बट कोई बात नहीं, अब तो हम लोग ही खाने वाले हैं, बस हम लोग दो जन और भैया इधर बैठे हुए हैं। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, चावल तो आ जाएगा 5 मिनट में, उसके बाद हम लोग खाएंगे। और गाइज और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स।